इंदौर को स्वच्छता सर्वे में नंबर वन आने पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने प्रवास के दौरान शहरवासियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने शहर को सौगात देने का भी काम किया और शहर के विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में कई कदम उठाने की बात कही। साथ ही मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर निगम के कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का भी काम किया। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी इंदौर वासियों को बधाई। शहर के लिए 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा। एल्डरमैन की नियुक्तियां करने की कही बात। अस्थाई कर्मचारियों के चेहरे पर लाई मुस्कान। अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने का वादा। जी हां, इंदौर स्वच्छता सर्वे में जब से 6वीं बार नंबर बनाया है तभी से शहरवासियों को बधाई देने वालों का सिलसिला चल पड़ा है। इसमें एक और नाम नगरीय प्रशासन मंत्री का भी जुड़ गया है जिन्होंने इंदौर आकर शहरवासियों को इसके लिए बधाई दी। इंदौर वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और साथ ही 7 स्टार इंदौर नगर निगम को मिला है इसके लिए भी बधाई और शुभकामनाएं है। साथ में स्वच्छता रैंकिंग में देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आया है इसके लिए भी प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इंदौर नगर निगम को 7 स्टार मिलने पर 7 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की और आगे भी मदद करने का वादा किया। इंदौर नगर निगम को हम 7 करोड़ रुपए की राशि देने का भी निर्णय हमने लिया है। इस तरह से ये प्रमुख विषय कार्यक्रम में शामिल होने आए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एल्डरमैनों की संख्या को लेकर कहा कि 3 लाख से ऊपर वाली नगर निगमों में एल्डरमैनों की संख्या बढ़ाकर 6 से 12 कर दी गई है। साथ ही अन्य नगर निगमों में एल्डरमैनों की संख्या बढ़ा दी गई है जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया कुछ दिनों में प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, एल्डरमैन की संख्या हमने बढ़ाई है। पहले सभी नगर निगमों में जो एल्डरमैन की संख्या थी वो 6 थी। अब हम लोगों ने जो 3 लाख से ऊपर की नगर निगम है वहाँ पर एल्डरमैन की संख्या 12 कर दी है और उससे नीचे की जो नगर निगम है वहाँ पर अब 8 कर दी है और जो नगर पालिका हैं जहाँ पर पहले 6-4 एल्डरमैन थे वहाँ 6 कर दिए हैं और नगर परिषद में 4 कर दिए हैं। चूँकि आबादी भी बढ़ गई, वार्ड भी बढ़ गए, कई जगह सीमा का विस्तार हो गया और उस तुलना में एल्डरमैनों की संख्या पिछले लगभग 20-25 वर्ष से नहीं बढ़ी थी, इसलिए बढ़ाने का निर्णय हम लोगों ने किया है और इसके आदेश जारी हो गए हैं। 1 सप्ताह में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वहीं इस मौके पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने को लेकर कहा कि जल्द ही यह काम शुरू हो जाएगा जिसमें नियमावली का ध्यान रखा जाएगा। देखिए, जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं जो नियमितीकरण की प्रक्रिया हमारी, उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम शीघ्र ही जो पात्र हमारे निगम कर्मी होंगे, स्वच्छता मित्र होंगे, उनको हम लोग शीघ्र ही नियमितीकरण करेंगे। इसके साथ ही मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कंपाउंडिंग की सीमा जो पहले 12% थी उसे बढ़ाकर 30% करने की बात कही। साथ ही भवन अनुज्ञा की समय सीमा 30 से अब 15 करने की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।